संध्या व्यापनी अमावस्या कल भी थी, संध्या व्यापनी अमावस्या आज भी है, इसलिए संध्या व्यापनी होने से आज सारी रात उसकी मान्यता मानी जाएगी। पहले तो आज भी दीपावली है, इसलिए आज भी दीपावली के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ब्रह्मा ही विश्वकर्मा है, विश्वं करोति रचयति ते विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी जो प्रत्येक प्राणियों को अपनी जीविका चलाने के लिए साधन देते हैं। लक्ष्मी जी की पूजन के बाद विश्वकर्मा जी का पूजन होता है, जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब की पूजा विश्वकर्मा के रूप में की जाती है। और कल ही एकम को गोवर्धन पूजन है, जो अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। ब्रज प्रदेश में तब से गोवर्धन की पूजा होने लगी, 56 प्रकार का व्यंजन बना कर करके अथवा जो भी श्रद्धा से युक्त हो, उपलब्ध हो, पहले गौरी गणेश जी का पूजन कर ले और उनसे आशीर्वाद ले करके और फिर भाई को टीका लगाए, उनका मुंह मीठा करें, भाई की ये इसको पूजा कहा जाता है, इसी को टीका शब्द से भी जाना जाता है। अपने भाई का कल्याण चाहने के लिए लक्ष्मी जी ने पूजन किया था, तब से परंपरा चली आती है। अमावस्या का प्रवेश और आज सारा दिन है, रात सायंकाल सूर्यास्त के बाद 18 मिनट तक है। सत श्री अकाल जी, लुधियाना लाइव देख रहे हो तुसी, मैं हरविंदर सिंह ढिल्लों। दो दिवाली दे दिन होण करके लोगों के मन के विश्वकर्मा और टिक्का भाई दूज नूं लैके भी मन के भरम है कि ये भी त्यौहार दो ने या एक दिन ही इन्हां दी जिहड़ी है पूजा की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी। तो यह सब जानण दे लई असीं पहुंचे हाँ श्री दुर्गा माता मंदिर BRS नगर विखे, भाई रणधीर सिंह नगर विखे। तो पंडित द्विवेदी जी ने इत्थे जिहड़े उन्हां तों आपां पुछदे हाँ कि उन्हां दा की कहना इस चीज़ नूं लैके। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए। पंडित राम यज्ञ द्विवेदी। और आप किस मंदिर में अभी सेवा युक्त हैं? श्री दुर्गा माता मंदिर भाई रणधीर सिंह नगर। पंडित जी दिवाली के बाद जो विश्वकर्मा और फिर जो टिक्का भाई दूज जिसको हम बोलते हैं तो उसका भी बहुत महत्व है, पहले तो इसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए कि इस दिन का महत्व क्या है जी। पहले तो आज भी दीपावली है, इसलिए आज भी दीपावली के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद और विश्वकर्मा जी का पूजन किया जाता है। भगवान ब्रह्मा ही विश्वकर्मा है, विश्वं करोति रचयति ते विश्वकर्मा। जो विश्व का सृजन करे वही विश्वकर्मा है, सृष्टि का संचालन भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में है। अतएव लक्ष्मी जी के पूजन के बाद विश्वकर्मा जी जो प्रत्येक प्राणियों को अपनी जीविका चलाने के लिए साधन देते हैं वो हैं भगवान विश्वकर्मा। उनकी पूजा करने से अपने रोजगार के लिए स्वयं बुद्धि प्राप्त होती है और साधन भी प्राप्त होते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजन के बाद विश्वकर्मा जी का पूजन होता है। जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब की पूजा विश्वकर्मा के रूप में की जाती है। इससे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं व्यापार में हों तो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए भगवान विश्वकर्मा को संतुष्ट करना चाहिए प्रत्येक साल। तो वो है एकम को, जैसे कल एकम है, एकम को विश्वकर्मा पूजन होगा। और कल ही एकम को गोवर्धन पूजन है, जो अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है।
और गोवर्धन पूजन किया जाता है एकम को, क्योंकि एकम तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था और अपनी प्रजा को इंद्र की बारिश से, मूसलाधार बारिश से बचाया था। फिर उन्होंने गोवर्धन को स्थापित किया ब्रज प्रदेश में, तब से गोवर्धन की पूजा होने लगी। 56 प्रकार का व्यंजन बना कर करके, अथवा जो भी श्रद्धा से युक्त हो, उपलब्ध हो, विविध प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। गोवर्धन की भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजन करनी चाहिए। ये कल एकम को होगा। इसके बाद जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया है उसको भाई दूज कहा जाता है। बहन का अपने भाई के प्रति बड़ी सहृदयता रहती, सुहृदता रहती है। माँ के बाद बहन ही भाई का उपकार करने वाली होती है, उसका सौहार्द चाहने वाली होती है, उसकी उन्नति की कामना करती है। इसलिए बहनों को चाहिए कि पहले गौरी गणेश जी का पूजन कर ले और उनसे आशीर्वाद ले करके, और फिर भाई को टीका लगाए, उनका मुंह मीठा करें। भाई की ये इसको पूजा कहा जाता है। इसी को टीका शब्द से भी जाना जाता है। संतुष्ट होकर के भाई को भी चाहिए कि अपनी बहन को यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा से, उपकरण से और संतुष्ट करें। इस प्रकार से बहन और भाई का जो माधुर्य संबंध होता है ये हमेशा चलता रहता है, विषमता दूर होती है, और ये भाई की दीर्घायु की कामना के लिए बहनें इस प्रकार पूजा करती हैं और करना चाहिए। पंडित जी, इसके पीछे भी कोई गाथा है, क्यों मनाया जाता है ये जो भाई बहन का जो त्यौहार है ये? ऐसा है कि लक्ष्मी जी ने जलंधर जी का पूजन किया था। अच्छा जी, लक्ष्मी जी और जलंधर दोनों समुद्र से ही उत्पन्न हैं। अच्छा जी, समुद्र हैं उनके पिता। ठीक है। अपने भाई का कल्याण चाहने के लिए लक्ष्मी जी ने पूजन किया था, तब से परंपरा चली आती है। और इसके बाद तो बहुत से ऋषि मुनि देवता इन सब की बहनें इनकी पूजा करती है, प्रथा बहुत पुरातन सनातन परंपरा चली आ रही है। हाँ ठीक है जी। तो पंडित जी, इस बार जैसे दिवाली दो दो आ गई है ना, तो विश्वकर्मा और ये जो भाई दूज का है त्यौहार, इसका भी कुछ है समा पूजा का कोई? ऐसा है कि दीपावली इसलिए दो हो गई कि दीपावली अब की बार 26 घंटे की थी, अमावस्या 26 घंटे की थी। ठीक है। तो इसलिए 31 तारीख को सायंकाल 4 बजे प्रारंभ हुआ अमावस्या का प्रवेश। ठीक है जी। और आज सारा दिन है, रात सायंकाल सूर्यास्त के बाद 18 मिनट तक है। सूर्यास्त होंगे 6 बजे और सूर्यास्त के बाद 6:18 तक अमावस्या का प्रवेश है। संध्या व्यापनी अमावस्या कल भी थी, संध्या व्यापनी अमावस्या आज भी है। इसलिए संध्या व्यापनी होने से आज सारी रात उसकी मान्यता मानी जाएगी। जिन्होंने कल किया पूजन वो भी बहुत अच्छा था, गलत नहीं था। जो आज करेंगे वो भी पूजन गलत नहीं है, क्योंकि एक ही देवता की कल भी अमावस्या थी, आज भी अमावस्या है, तो दीपावली, अमावस्या नहीं थी दीपावली नहीं, ये नियम है। जो एकम है अमावस्या के बाद एकम को ही विश्वकर्मा पूजन, वो एकम कल है, आज नहीं है। आज रात में लगेगी लेकिन उदय तिथि न होने के कारण आज उसकी उपासना नहीं होगी, इसलिए कल ही होगी। इसी प्रकार से भाई दूज जो द्वितीया तिथि है वो परसों ही है, कल नहीं है, इसलिए कल नहीं किया जा सकता। भ्रातृ पूजन द्वितीया में ही होता है, तिथि प्रधान है, तिथि प्रधान। और जो विश्वकर्मा पूजन है और गोवर्धन पूजन है ये एकम में है। ठीक है, तो आप डेट भी बता दीजिए दर्शकों को, कन्फ्यूजन ना जिनको। कल 2 तारीख को एकम है और उसी दिन विश्वकर्मा पूजन और गोवर्धन पूजन, और परसों 3 तारीख को भाई दूज है। द्वितीया होने के कारण भाई दूज का त्यौहार 3 तारीख को ही मान्य है।
ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपने कीमती पलों में से, क्षणों में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आइएगा जी। तब पंडित द्विवेदी जी ने टिक्का भाई दूज बारे भी दसिया कि इहदी की परंपरा, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता। इस दिन भैणा ने जड़ियाँ अपने भरावां दी चंगी खुशहाली वास्ते जड़ियाँ कामना कर दिया ने, पूजा अर्चना कर दिया ने, और नाल ही उन्होंने दसिया विश्वकर्मा पूजा और टिक्का भाई दूज जिन्हों आप कहने हैं उसकी जी है पूजा तुसी कदों कर सकते हो। सो नवे अपडेट ना फिर दोबारा तुहानू मिलांगा। कैमरा परसन सेवा सिंह जी नाल हरविंदर सिंह ढिल्लों, लुधियाना लाइव।